back to Medicoleague. First of all, a very big thank you for such a wonderful response. हम लोगों ने बहुत ही आसानी से और एक्यूरेसी के साथ एनाटॉमिकल टर्म्स सीख लिया और आज का सेशन है स्केलेटन. लेकिन उससे पहले लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एडवाइस. पूरे जनरल एनाटॉमी में सिर्फ 30% ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उस 30% को याद रखना, बार बार रिवाइज करना, उसमें से ही नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पूरी जनरल एनाटॉमी को नोट्स में कन्वर्ट करने जाओगे तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. इससे अच्छा जो सुपरा क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी को नोट्स में कन्वर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उस 30% को सेपरेट करना हमारी जिम्मेदारी है. लेकिन मेरा मोटिव ये है कि आप पूरा 100% सीखो, समझो और इतनी अच्छे से समझो कि आप यूनिवर्सिटी में अपने ओन लैंग्वेज में कोई भी आंसर लिख सको. लेकिन हर एक वीडियो से पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस ये इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे पूछे गए हैं. तो इसलिए स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो नाउ बिना ज्यादा देरी के लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. उससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट जो हर एक प्रीवियस पेपर में कई बार पूछा गया है. फिर सेकंड है ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन. ये क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है और ये इसलिए कम पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फॉर सेक ऑफ आर नॉलेज हम ये जरूर करेंगे. फिर तीसरा है वुल्फ लॉ और लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. ये दोनों लॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइवा के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि वन मार्कर और टू मार्कर के लिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. आप पूरे ईयर में कार्टिलेज इतनी बार सीखोगे हिस्टोलॉजी में, जनरल एनेट में, कि आपको ये कार्टिलेज याद रह जाएगा. लेकिन डिफरेंसेस बिटवीन द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटन. अब स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ आर बॉडी और हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे स्केलेटन की है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी. अब यही स्केलेटन को दो डिविजन्स दिए गए हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन यानी सेंट्रल एक्सिस के नज़दीक वाले बोन्स, फॉर एग्जाम्पल स्कल. स्कल के दो सेट्स ऑफ बोन्स है, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स. फिर दूसरा है ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि ईयर के तीन छोटे छोटे बोन्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीस. फिर तीसरा है हायोइड बोन, उसको कहा जाता है टंग बोन. फिर फोर्थ वन इज वर्टिब्रल कॉलम, 26 इंडिविजुअल एंड मूवेबल बोन्स. और फिर है थोरेसिक केज यानी कि रिब्स, स्टर्नम और उनके इंक्लूडेड कार्टिलेजेस. तो ये जो बोन्स के मैंने नाम बोले दे आर इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन. फिर है अपेंडिकुलर स्केलेटन. अब ये है बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि जो राइट हैंड में है वही लेफ्ट हैंड में बोन्स हैं. और इसमें इंक्लूड किया जाता है द बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज और गर्डल जो लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करते हैं, तो वो इंक्लूड किए जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में. फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल. तो ये सब इंक्लूड किया जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर बोन क्या है. बोन में टू थर्ड पार्ट बना है इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट से, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स एंड पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट्स.
और इन्हीं सॉल्स की मदद से द बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, और जो हमारा पूरा वेट है जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है बोन्स पे, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो हम कंप्रेसिव फोर्स को क्रिएट कर पाते हैं वो बोन्स की वजह से है। यानी कि एफर्ट टू रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ 2/3 इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स। फिर जो उसका 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू, और इसी की वजह से द बोन इज रिसाइलेंट, यानी कि फ्लेक्सिबल और रेजिस्टेंट, और इट एफोर्ड्स रेजिस्टेंट टुवर्ड्स टेंसाइल फोर्स। जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स थे उसकी मदद से बोन कुड रेजिस्ट द कंप्रेसिव फोर्सेस, और जो 1/3 ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू है उसकी मदद से द बोन एफोर्ड्स टू रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्सेस। अब वी नो दैट बोन इज हार्ड एंड टफ, लेकिन चाहे कितना भी बोन हार्ड हो, कैल्शियम सॉल्ट ज्यादा हो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है दैट बोन इज इनर्ट मटेरियल। नो, बोन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। बोन्स आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, और बोन के पास रीजनरेशन पावर और रिपेयर पावर भी है। इनफैक्ट बोन्स हैव द ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ रीजनरेशन पावर एज कंपेयर टू एनी अदर टिश्यूज ऑफ आर बॉडी एक्सेप्ट ब्लड। और जस्ट लाइक डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आर बॉडी, बोन्स ऑल्सो आर सब्जेक्ट टू डिजीजेस, यानी कि बोन्स में भी डिजीजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसयूज एट्रोफी, यानी कि पैरालिसिस में अगर हम बोन यूज ना करें तो वही बोन थिन और वीक हो जाएगा। उसी के ऑपोजिट ओवर यूज हाइपरट्रोफी, यानी कि जब बोन्स आर सब्जेक्टेड टू वेरी हाई वेट, इंक्रीज्ड वेट, तो बोन थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बोन के हेल्थ के लिए। अब आता है फंक्शंस ऑफ बोन्स। अब ये फंक्शंस जनरली कहीं पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ आर नॉलेज रीड करना एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम शॉर्ट में अगर ब्रीफली बात करें तो पहला फंक्शन है ट्रिपल एस, यानी कि शेप, स्ट्रक्चर और स्ट्रेस रेजिस्टेंट। हमारे बॉडी के शेप के लिए भी बोन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के स्ट्रक्चर में भी बोन रिस्पॉन्सिबल है, और जो स्ट्रेस जो हमारा बोन्स जो फील करते हैं उससे रेजिस्टेंट करने की पावर भी बोन के पास है। नाउ सेकेंड फंक्शन इज जो हमारे मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए सरफेस इज प्रोवाइडेड बाई बोन्स। फिर तीसरा है मस्क्यूलर एक्शन के लिए जो लिवर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उनमें भी बोन्स इन्वॉल्व है। फिर जो मेड्यूलरी कैविटी है बोन में, उसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेड ब्लड सेल्स। और हमारे बॉडी में से 97% ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन में स्टोर होता है, यानी कि स्टोरेज फंक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बोन्स। और फिर बोन में एक यूनिक फीचर्स होता है पैरानेजल एयर साइनसिस। इन एयर फील्ड कैविटीज की वजह से ही देयर इज टिम्बर ऑफ वॉइस। तो ये हुए कुछ फंक्शंस ऑफ बोन्स। अब आगे आप बुक में देखोगे तो ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, नर्व सप्लाई ऑफ बोन्स बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार आप रीड कर लो। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस की, तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ छोटे मोटे वाइवा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड करूंगी, उसके लिए हम सेपरेट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नए नए यूनिक टॉपिक्स और निमोनिक्स के साथ
आई वुड बी बैक। और ये सारे नोट्स जो टॉपिक्स है वो सब इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में डेली अपडेट होते हैं, तो जल्दी से फॉलो करें और खुद को अपडेट रखें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।